तो पहले हमने कर लिया फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन। बहुत ही इजी होता है, बहुत स्कोरिंग होता है, कर तो सभी लेते हैं। सारा खेल है टाइमिंग का, स्पीड में करना होता है। सिर्फ करना ही नहीं होता, अलॉटेड टाइम में इसको खत्म करना होता है। बट इनिशियली कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। जब आ जाएगा समझ के हाँ करना कैसे है, तो स्पीड पे। तो आप अटेम्प्ट कैसे करना होता है क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सीखेंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 17, टीएस ग्रेवर। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑन 31st मार्च 2020 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दास। सेल्स, तो आइटम्स पांच तरीके के हो सकते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएंगे। रेवेन्यू या एक्सपेंस डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट है तो पीएनएल। सेल्स डायरेक्ट रेवेन्यू कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए मैं सिर्फ लिखूंगा टी, और कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग डेबिट साइड। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है, सामान वापस आ गया। कहां से वापस आ गया, आपने सामान बेचा होगा, तो ये सेल्स रिटर्न है आपकी। क्या है ये, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से एडजस्ट हो जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से एडजस्ट हो जाएंगे, तो वो सब ब्रैकेट में सेल्स लिख दो, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, ऐसे ही रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से एडजस्ट हो जाएंगे। रिटर्न आउटवर्ड, हमने सामान वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। स्टॉक ऑन 1st अप्रैल 2019, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, तो कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रेंट कुछ मेंशन नहीं है तो ऑफिस का माना जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट कुछ मेंशन नहीं है तो डिस्काउंट अलाउड माना जाएगा। अगर तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है डिस्काउंट, कोई डेबिट कॉलम नहीं, क्रेडिट कॉलम नहीं, कुछ नहीं, तो हम डिस्काउंट अलाउड मानेंगे और पीएनएल डेबिट साइड, ठीक है। प्रिंटिंग एक्सपेंस होता है, ऑफिस एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। पोस्टेज एंड कुरियर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस, इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, सेलिंग एक्सपेंस माना जाता है ये। डेटर्स एसेट्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। लोन फ्रॉम साहिल, हमने साहिल से लोन बोरो किया, तो हमारी लायबिलिटी है। कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज और एसेट्स हैं, लायबिलिटी साइड में टॉप पे दिखा देंगे। ड्रॉइंग्स एडजस्टेड टू कैपिटल, लायबिलिटी साइड पे। बिजनेस प्रिमाइसेस, लैंड एंड बिल्डिंग को बिजनेस प्रिमाइसेस बोलते हैं, तो क्या है ये, एसेट। फर्नीचर क्या होता है, एसेट। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है। द स्टॉक ऑन 31st मार्च 2020 वॉज वैल्यूड एट 2,40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो वो एक एडजस्टमेंट है, दो बार आ जाएगी, एक बार ही ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे, और एक बार ही पीएनएल पे, और एक बार ही बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। अब ध्यान से देखना, मैंने बस आपको अंडरस्टैंड करने के लिए करके दिखाया कि क्या क्या है, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या ट्रेडिंग में जाएगा, क्या पीएनएल में जाएगा, क्या डेबिट साइड पे जाएगा, क्या क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्या बैलेंस शीट में जाएगा। अब दिखाएंगे कैसे, साइमल्टेनियसली बनाना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी गलती करते हैं। साइमल्टेनियसली क्वेश्चन करना चाहिए। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है ना, वो सीखना है। क्वेश्चन करना बहुत आसान होने वाला है, क्वेश्चन करने का तरीका समझना है कि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ध्यान से देखना, अब एक एक करके आइटम्स, जिस ऑर्डर में आइटम्स आ रहे हैं ना, उस ऑर्डर में दिखाना है।
ध्यान क्या रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कि पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर जो मर्जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे पहले सेल्स, फिर सेल ऑफ स्क्रैप, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर जैसे मर्जी डायरेक्ट, और कुछ है, और कुछ होता ही नहीं है ट्रेडिंग में। पीएनएल अकाउंट में पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, कोई ऑर्डर नहीं। बैलेंस शीट में कुछ मेंशन नहीं है तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस फॉलो करना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस में पहले एसेट साइड है तो नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स। लाइबिलिटी साइड पे पहले कैपिटल, फिर रिजर्व्स, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज। बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, मैं करके दिखाऊंगा, बट साइमल्टेनियसली। और तरीका क्या है, ध्यान से देखना। पहला आइटम सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। फ्लिपिंग होगी बहुत ज्यादा, बट ध्यान देना आपके बेनिफिट के लिए। तो सबसे क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, और बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020। पहले तो ये तीन फॉर्मेट बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आपने फॉर्मेट बना लिए, कैसे बनाना चाहिए। पेज वन, 1/3 ऑफ द पेज ट्रेडिंग अकाउंट, 2/3 ऑफ द पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक पेज पे कभी भी तीनों चीजें मत बनाना, बहुत बड़ी गलती करोगे, क्वेश्चन का साइज कभी बड़ा हो जाएगा, तो आधी स्टेटमेंट इधर आ रही होगी, आधे अगले पेज पे आ रही होगी, बहुत अनटाइडी हो जाता है और गलती मैक्सिमम इसी वजह से होती है। सो फर्स्ट पेज पे 1/3 ऑफ द पेज ट्रेडिंग अकाउंट, 2/3 ऑफ द पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंड पेज बैलेंस शीट। ऑलवेज यूज टू पेजेस, तीन यूज करने कर लो, बहुत जगह वेस्ट कर रहे होगे, लेकिन दो बेस्ट है। एक इतनी भी कंजूसी नहीं, क्वेश्चन बड़ा होगा फंस जाओगे, तो दो पेजेस, 1/3 ऑफ द पेज ट्रेडिंग, 2/3 ऑफ द पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंड पेज बैलेंस शीट। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आया सेल्स, तो जब भी सेल्स दिखाओ तो देखो कि कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं है, तो सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड्स, तो सेल्स ही 920, सेल्स रिटर्न है 13,000। दिखाएंगे कैसे, इनर कॉलम में, जब भी किसी चीज में कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं तो इनर कॉलम में, कॉलम के अंदर, सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड्स, जो अकाउंट का नाम वो यूज कर रहे हैं वही आप यूज करेंगे, 13,000, तो नेट सेल्स कितनी हो गई, 907,000, वेरीफाई कर लेंगे, 13,000। अब जो जो आइटम आपने दिखा दिया उस पर टिक मारना, ऑनलाइन में कैसे टिक मारेंगे, अरे कभी तो ऑफलाइन आओगे। तरीका यही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, कि जो जो आइटम दिखा दिए उस पर टिक मारना है। क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आइटम एक ही बार आएगा, अगर उस पर टिक लग चुका है तो अब वो कहीं नहीं आएगा, बट जो एडजस्टमेंट है वो दो बार आएगी। तो हाउ टू इंश्योर कि इतने सारे आइटम में कुछ रह तो नहीं गया, टिक आपको बचा सकता है कि अगर आप टिक मार रहे हो तो मतलब आप वो दिखा चुके हो। एक आइटम एक ही बार आएगा ट्रायल बैलेंस के जो अंदर है, ट्रायल बैलेंस के जो बाहर है वो एडजस्टमेंट होती है, वो हम एंट्री पास करेंगे, दोनों एस्पेक्ट कवर होंगे, इसलिए दो बार आती है। तो सेल्स आ गया, नेक्स्ट परचेजेस 683, परचेज रिटर्न 22। तो परचेजेस से पहले, परचेजेस नहीं दिखा सकते, पहले हम दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक, ये बस ध्यान रखना है, यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड आएगी आपकी। ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना है, स्टॉक 1,76,000, तो जो आइटम दिखा दिया उस पर टिक मारेंगे, स्टॉक 1,76,000, स्टॉक 1,76,000, स्टॉक आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, परचेजेस टू, परचेजेस ध्यान से देखना, परचेजेस में कितना है, परचेजेस 6,83,000, ओके, लेस परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न क्या बोल रहे हैं वो, रिटर्न आउटवर्ड्स, वेरीफाई कर लेंगे, परचेज रिटर्न 6,83,000 दिखा दिया, परचेज रिटर्न 22,000 माइनस कर देंगे, तो लेस 22,000, तो जो माइनस कर रहे हैं आप ब्रैकेट्स में भी दिखा सकते हैं, माइनस करके भी दिखा सकते हैं। परचेजेस आ गई, चलते हैं आगे, जैसे जैसे आइटम आएंगे वैसे वैसे हम दिखाते रहेंगे। नेक्स्ट आया कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 24,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा टू कैरेज
इनवर्ड्स कितना था? कैरेज इनवर्ड्स 24,000. ठीक है, आप स्पेस जरा ध्यान से, आपके पास लाइन इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा. जो जो आइटम दिखा दिए वो टिक. अब रेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट तो क्लोज नहीं हुआ, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं अभी बना के दिखाता हूँ. प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट तुमने बना दिया था रेंट 22,000. प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक दो लाइनें छोड़ दो, फिर उसके बाद लिखो टू रेंट. एक लाइन काफी होती है कि अगर ग्रॉस लॉस आएगा, एक लाइन काफी है. एक लाइन छोड़ के लिख दो टू रेंट अकाउंट. कितना था रेंट? 22,000. वेरीफाई कर लेते हैं. 22,000. एक लाइन क्यों छोड़ी? हो सकता है ना ग्रॉस लॉस हो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो इसलिए एक लाइन छोड़ देनी चाहिए. रेंट दिखा दिया, डिस्काउंट 37,500. अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे क्या आ जाएगा? टू डिस्काउंट. डिस्काउंट 37,500. ठीक है, पीएनएल में डेबिट कर दिया. प्रिंटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस 7,200, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रिंटिंग 7,200, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया. नेक्स्ट इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, 5,000 डेबिटेड टू इंश्योरेंस, 5,000 डेबिटेड. ठीक है, नेक्स्ट जो जो दिखा दिया उस पर टिक मारेंगे. ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट होता है, 14,000 डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 14,000. वेरीफाई कर लेता हूँ, 14,000. ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हो गए, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे टिक मारेंगे. तो एक कॉलम हो गया. नेक्स्ट पोस्टेज एंड कोरियर 6,200, पोस्टेज एंड कोरियर 6,200. ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू पोस्टेज एंड कोरियर कितना? 6,200 दिखा दिया. नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं 9,000, बैड डेट्स 4,000. तो एक 9,000, एक 4,000, दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू बैड डेट्स. ठीक है ना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी दिखा दिए, बैड डेट्स भी दिखा दिए, दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गए. डेटर्स, अब डेटर्स एसेट्स होते हैं, ध्यान देना. डेटर्स कहाँ चले जाएंगे? बैलेंस शीट में. 2,20,000 बैलेंस शीट में. कुछ स्पेस छोड़ देनी चाहिए नॉन करेंट एसेट्स के लिए, दो तीन लाइनें ज्यादा थे नहीं, तो वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड. डेटर्स जब दिखा रहे हो तो देखो कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो नहीं है, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होंगे तो माइनस करके दिखाएंगे, वो आगे जाके एडजस्टमेंट्स में आएंगे, तो अभी नहीं है. डेटर्स कितने हैं? डेटर्स हैं हमारे 2,20,000. डेटर्स कितने हो गए? 2,20,000. ठीक है, डेटर्स दिखा दिए. नेक्स्ट आइटम क्या है? क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पे आएंगे, 1,28,000. अब लाइबिलिटी साइड पे क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले कैपिटल आएगा और कैपिटल में एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं. कैपिटल के बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज आएंगी, फिर करेंट लाइबिलिटीज. तो क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स 1,28,000. 1,28,000. तो डेटर्स भी दिखा दिए, क्रेडिटर्स भी दिखा दिए. लोन फ्रॉम साहिल, तो वो करंट लायबिलिटीज से पहले आता है, 50,000. तो वो क्रेडिटर्स के ऊपर लिख देंगे लोन फ्रॉम साहिल. कितना है लोन फ्रॉम साहिल? 50,000. ठीक है जी, अब क्या होगा? कैपिटल 5,25,000 अभी दिखा देंगे, बट इनर कॉलम में कैपिटल. ओपनिंग बैलेंस 5,25,000.
कैपिटल, ठीक है, बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया 5,25,000, ड्रॉइंग्स है 19,100, कैसे दिखाते हैं, कैपिटल में से माइनस करके, लेस ड्रॉइंग्स, कितना माइनस 19,100। अब इसमें मुझे अभी दिखाना है नेट प्रॉफिट भी, तो मैं बेटर रहेगा कि टोटल करके उसमें ऐड कर दूं ताकि कोई गलती ना हो कि माइनस प्लस एक साथ दिखाते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए ऐसे कर दो। तो ड्रॉइंग्स हमने दिखा दी माइनस करके। बिजनेस प्रमिसेस एसेट्स होते हैं 3,90,000, फिक्स्ड एसेट है बिजनेस प्रमिसेस, कितना था 3,90,000, ठीक है। फिर और क्या था, फर्नीचर, फर्नीचर कितना था 15,000, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो सारा देख टिक। अब इससे क्या होगा, टिक से क्या होता है सर, टिक तब मारोगे ना जब वो आइटम जहां दिखाना चाहिए दिखा चुके हो, तो अगर हर जगह टिक लगा है मतलब ट्रायल बैलेंस आइटम कवर हो चुके हैं। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर ध्यान क्या देखना है, क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000, क्लोजिंग स्टॉक दो बार आएगा, यहाँ डबल टिक लगना है, तो दो बार कहाँ आएगा 2,40,000, एक बार ही ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000, और एक बारी बैलेंस शीट में एसेट साइड लास्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000। अब ध्यान से देखना क्लोजिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है क्लोजिंग, एक एक करके क्लोज करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमने दिखा दिया तो हमें यहाँ पे डबल टिक मार देना चाहिए, सिंगल टिक ट्रायल बैलेंस आइटम्स पे, डबल टिक एडजस्टमेंट्स पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्लोजिंग। साइमल्टेनियसली करके आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे जैसे आइटम आते गए हम उनको ट्रांसफर करते गए, अब हमें बस क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या देखना है, क्रेडिट आइटम ज्यादा है या डेबिट आइटम ज्यादा है, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो आपको वर्क नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके क्रेडिट्स कितने आ रहे हैं और डेबिट्स कितने आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्लोजिंग, तो आपने वर्क नोट में कैलकुलेट करना है कि क्रेडिट्स कितने आ रहे हैं, डेबिट्स कितने आ रहे हैं। तो क्रेडिट्स हमने देखा आ रहे हैं 11,47,000, डेबिट्स आ रहे हैं 8,61,000। क्रेडिट ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 11,47,000 माइनस जितने भी आपके डेबिट्स आ रहे होंगे। जैसे हम किसी भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं ना, वैसे इसका क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा, क्रेडिट्स माइनस जो उससे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे डेबिट्स 11,47,000, ठीक है। तो डेबिट्स और क्रेडिट्स पर इवेंचुअली मैच करने चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 2,86,000, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, लिख सकते हैं ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट और ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट 2,86,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब और तो कोई आइटम नहीं है, सब कुछ दिखा चुके हैं, तो क्रेडिट्स कितने हैं 2,86,000, डेबिट्स कम है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, क्या देखेंगे हम यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 286 माइनस जितना भी आपका डेबिट्स का टोटल आ रहा होगा, डेबिट्स का टोटल आ रहा था 1,04,900, तो आपको वर्क नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा आपके डेबिट्स कितने आ रहे हैं क्रेडिट्स कितने आ रहे हैं। 1,81,100 क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट इज एडेड टू द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है आपका 1,81,000। अगर आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज मैच कर रही हैं तो आपने सही करा है, अदरवाइज आपने कोई गलती
करी है, बट कभी कभी मैच कर जाते हैं फिर भी कोई गलती हुई होती है, उसको कॉम्पनसेटिंग एरर कहते हैं। बट अगर मैच कर जाए तो खुशी मनाने लेनी चाहिए और चुपचाप आगे बढ़ लेना चाहिए। ये नहीं कि मैच हो गया शायद फिर भी कोई गलती हुई हो तो चलो हम दोबारा देख लेते हैं, इतना टाइम नहीं होगा। बट प्लीज सिर्फ ये नहीं समझना कि कौन सा आइटम कहाँ आएगा, वो बहुत आसान पार्ट है, वो तो 2-3 क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। समझना ये है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना चाहिए। पहले आप तीनों फॉर्मेट बनाएंगे, फर्स्ट पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1/3 ऑफ द पेज शुड गो फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, 2/3 ऑफ द पेज शुड गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेज 2 बैलेंस शीट। तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लिए, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में आ रहे हैं आइटम्स, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में आइटम्स आ रहे हैं उस ऑर्डर में आप ट्रांसफर करते रहो सही जगह पे। बस ध्यान क्या रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे सेल्स और रिटर्न्स एडजस्ट होंगी। जब भी सेल्स आ रही हैं तो रिटर्न्स तो अलग लिखी होंगी, तो जहां सेल्स आई रिटर्न्स ढूंढ के उसी टाइम एडजस्ट कर दो ताकि भूल ना जाओ। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा, वो दो बार आएगा, एक बारी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और एक बारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट अभी हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 एएस ग्रेव।